हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ये चैनल जिसका नाम है अर्श गेमर। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? सो गाइस, जिसके आप लोग देख रहे हो, फ्रैंकलिन भाई सुबह सुबह बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं यहाँ पे। और थोड़ी देर पहले मुझे माइकल का कॉल आया था और माइकल मुझे बोल रहा था कि उसे जिमी के लिए R15 लेनी है, बिकॉज माइकल को किसी तरह पता चल गया है कि भाई हम लोग ने शोरूम खोल लिया है और हम लोग डील कर रहे हैं मुश्ताक भाई के साथ, जो इंडियन कार्स में डील करते हैं। सो माइकल को ये पता चल गया है कि भाई हम लोग इंडियन कार्स में डील करते हैं, और वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसे जिमी के लिए R15 ही चाहिए और कोई गाड़ी नहीं चाहिए। अभी उसने ये भी बोला है कि जाके जिमी को पिक करना है हमको, तो हम लोग जिमी को कॉल करेंगे, जिमी से पूछेंगे जिमी कहाँ पे है, उसको जाके पिक कर लेंगे वहाँ से और उसको एक R15 गिफ्ट करेंगे। बिकॉज आई बिलीव माइकल ने उसको बता दिया होगा कि R15 फ्रैंकलिन अंकल आपको देने वाले हैं। सो फटफट चलते हैं भाई बाहर यहाँ से और जिमी से मिलते हैं, जिमी को बोलते हैं कि भाई तेरे लिए हम लोग R15 लेके आ रहे हैं। सो गाइस, हम लोग नीचे की तरफ आ चुके हैं और फटाक से चलते हैं अपन जिमी के पास में। जिमी को फोन कर लिया, जिमी बोल रहा है कि मैं घर पे ही हूँ। और अनफॉर्चुनेटली माइकल जो है फिलहाल घर पे नहीं है, माइकल जो है शायद कहीं बाहर गया है। अबे यार, ये क्या कर रहा हूँ मैं, माइकल जो है शायद कहीं बाहर गया है, मतलब वो मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉस एंटो से बाहर है, बिकॉज उसका जो कॉलर आईडी आ रहा था उस पर भी कुछ अलग ही नंबर शो कर रहा था। सो देखेंगे माइकल कहाँ पे है अपन, वो तो बाद में बात बात की बात है, बट फिलहाल अपने को चलना है जिमी के पास में, जिमी को लेना है, जिमी को R15 गिफ्ट करनी है। आई बिलीव गिफ्ट तो नहीं होगा ये, बिकॉज मैं माइकल से उसके पैसे ज़रूर लूँगा, बिकॉज R15 इंडिया से एक्सपोर्ट करने के लिए, सॉरी इम्पोर्ट करने के लिए बहुत पैसे लग जाते हैं। सो फटफट चलते हैं अपन जिमी के पास में। चलो गाइज, हम लोग पहुँच गए हैं ऑलमोस्ट माइकल के घर के पास में, और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मैंने एक ट्रेलर मंगाया हूँ जिसमें बहुत सारी R15 और शायद एक दो RC भी होगी। सो फटाक से हम लोग पहले माइकल के घर में जाते हैं, माइकल के घर में जाके जिमी को आवाज देते हैं, कहाँ है बे जिमी? हाय हाय, किसको? अबे उतरना है बे, अभी हेलमेट कहाँ पहन रहे? ओ चीचा, जिमी का है? ओ अंकल, जिमी का है बताओ। तो शायद जिमी अंदर है। ओके, माइकल यहीं पे? अरे बाप रे, वो माइकल यहीं पे खड़ा है। मुझे ऐसा बताया था कि ये तो बाहर गया था, ये दूसरे कॉलर आईडी पे बात कर रहा था, बट ये यहाँ पे खड़े रह के क्या कर रहा है? छोड़ो बटाओ यार, अपन ये सब बात अभी बाद में करेंगे, पहले अपन माइकल से बात कर लेते हैं, पहले अपन जिमी से बात कर लेते हैं। सो गाइस, फाइनली जिमी यहाँ पे आ गया है। जिमी भाई, क्या हाल है? अरे अंकल, भाई तो मत बोलो, आप तो मेरे डैडी के दोस्त हो आपको जान के। सो जिमी, चल फटाफट चल बढ़िया गाड़ी पे, अपन चलते हैं तेरे लिए R15 लेने के लिए। अरे सच में, क्या बात है, मेरे अब्बू जान इतने खुश हो गए कि वो मुझे R15 गिफ्ट कर रहे हैं। अरे अंकल, आपको क्या बताओ, इतने दिन से मैं उनसे R1 मांग रहा था, बट वो तो इतनी कंजूस है। मैंने तो उनको बोला कि मुझे R1 चाहिए, बोले नहीं एक काम कर, पहले तू R15 ले ले, R15 पे तेरा पैर पोछेगा के चेक करना, और फिर मैं तुझे आगे जाके R1 दूंगा। अरे अंकल, इतना पैसा क्या हूँ घर पे लेके रखेंगे क्या, सजा के रखेंगे, करेंगे क्या इतने पैसे का? जब देखो जब पैसा 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 करते रहते हैं, आप भी देखो। अंकल मुझे एक बात बताओ, आपकी कोई बंदी नहीं है क्या? आप पूरा टाइम मेरे डैडी के साथ क्यों घूमते हो? जिमी बेटा, सब बातें नहीं बता सकता, देखो मैं नहीं। अंकल बताओ ना मुझे, आपकी कोई बंदी नहीं है क्या, मतलब मेरी कोई आंटी नहीं है क्या? आप पूरा टाइम मेरे डैडी और ट्रेवर अंकल के साथ घूमते रहते हो, ट्रेवर अंकल तो नई नई लड़कियों के साथ घूमते, आपके साथ क्यों नहीं घूमते? कोई लड़की है? बताओ बताओ, जल्दी बताओ। जिमी बेटा, देखो R15 चाहिए क्या नहीं चाहिए बता मुझे। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मत बताओ मत बताओ, आप मुझे बताओ कि R15 मुझे कौन से कलर की मिलेगी अंकल? देख जिमी, पहली बात तो ये है कि तू मुझे अंकल बोलना छोड़। अंकल आपको गाड़ी चलाने नहीं आती? हाँ ठीक है ठीक है, मैं तेको R15 दूंगा, देखूंगा देखो कितनी चलाने आती है। अंकल एक काम करो, नहीं RC ही मुझे दे दो, मेरी गाड़ी अच्छी है, ये भी मैं चला लूंगा। जिमी, तेरे डैडी ने तुझे R15 देने बोले हैं, मैं तुझे R15 ही दूंगा। तो फटाफट अपन पहुंचते घर के पास, वहां पे मैंने ट्रेलर मंगाया हूँ, ट्रेलर आ जाएगा अभी, आई बिलीव अभी तक शायद आ गया होगा। तो ले जिमी, अपन पहुंच गए हैं मेरे घर के पास और देखते हैं यहाँ पे गाड़ी आ गई है क्या। ओहो, तो फाइनली यहाँ पे गाड़ियाँ आ गई है और मेरे कुछ बंदे नीचे खड़े हुए हैं, डिटेलिंग पे काम कर रहे गाड़ियों के। तो देख ले जिमी, इधर आ जा, उतर जा बेटा। हाँ हाँ अंकल, उतर रहा हूँ मैं। तो देख ले बेटा, कोई 3 कलर की गाड़ियाँ मंगाया हूँ मैंने। अरे अरे अरे, अरे जिमी को मारता साले, रुक जा, तेरी जात का पैदा मारू। अरे 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 साले, अरे भाग गया। अबे क्या जिमी, फूट लिया क्या? अरे अंकल देखो ना यार, मुझे मार के चला गया, मुझे चोट लग गई है। टैटू वटू तो नहीं बना ना? नहीं नहीं टैटू नहीं बना। चलो फटाफट इधर आ जा, चल जल्दी आ, इधर साइड में आ, इधर आ जा। सो देख ले कौन सी का बाइक पसंद है तुझे, तीनों बाइक सामने खड़ी हुई है, जो तुझे पसंद है वो ले ले। अंकल मुझे तो क्या फर्क है तीनों में अंकल?
अंकल क्या फर्क है तीनों में? मुझे तो रेड वाली पसंद है। तो वाली पसंद तो जिमी, तू रेड वाली ले ले। तो एक काम करते हैं, अपन रेड वाली को निकालते हैं और यहाँ से चलते हैं। गाइस मैं जिमी को लेके जा रहा हूँ, आप लोग ज़्यादा ध्यान रखो और गाड़ियों को ऊपर चढ़ा दो, मेरे केटीएम को भी ऊपर चढ़ा देना, ठीक है? बाय बोल जिमी सबको। तो जिमी ये एकदम ब्रांड न्यू R15 है जो इंडिया से आई है और तू इसको ले ले। थैंक यू सो मच अंकल। तो अंकल एक काम करो ना, इसको एयरपोर्ट पे लेके चलो, मैं एयरपोर्ट पे थोड़ा टेस्ट करूंगा, इसको चला के देखूंगा मुझसे चलाने आती है कि नहीं आती है, और फिर उसके बाद मैं अपनी बंदी को लेके जाऊंगा। जिमी तेरी बंदी भी है? हाँ अंकल, मैं आपकी तरह थोड़ी हूँ अंकल, जिमी सॉरी। सो अंकल एक काम करते हैं, फटाफट एयरपोर्ट पे चलते। ठीक है जिमी, तो मैं मैप में लोकेशन डाल देता हूँ एयरपोर्ट की, जीपीएस में। सो ले जिमी, हम लोग पहुंच गए ऑलमोस्ट एयरपोर्ट के पास में। हाँ अंकल, यहाँ पे मैं बाइक चला सकता हूँ। तो अंकल एक काम करो, आप एयरपोर्ट के अंदर ले लो, वहाँ पे मुझे बाइक देना। ओके ठीक है अंकल, मैं आपको ये बोल रहा था कि आप मुझे अपने बिजनेस में ले सकते हो क्या? बिजनेस में तू क्या करेगा जिमी? मैं अंकल आपकी सपोर्ट करूंगा, आपको हेल्प करूंगा। तो आप मेरे डैडी को नहीं बोला, डैडी जान को नहीं बोला, आप प्लीज मुझे डायरेक्टली काम पे ले सकते हो क्या? वैसे भी आपके उसमें बंदी तो है नहीं, मैं आपके साथ आपको सपोर्ट करूंगा ना अंकल। ए जिमी, तू बार बार बंदी पे क्यों आ जाता है अभी बेटा? अरे अंकल मैं तो बस मजाक कर रहा था, इतना टेंशन क्यों लेते हो आप? वैसे मुझे बताओ अंकल, आप उस टाइप के तो नहीं हो? उस टाइप से मतलब तेरा उस टाइप के अंकल जिसकी बंदी नहीं बंदे होते? जिमी अंकल सामने प्लेन देखो कितना अच्छा लग रहा है, चलो इसको चोरी करके भागते हैं। जिमी अपने पास बहुत पैसा है, प्लेन अपन खरीद सकते हैं। ओके अंकल, तो जिमी अपन अभी इसको फुल स्पीड में ट्राई करते हैं कितनी स्पीड जाती है गाड़ी की। सो जिमी तुझे ये बाइक कैसी लगी? ये अंकल R15 तो बहुत गजब की बाइक है। और गाइस आप लोग बताओ, आप लोग को ये बाइक कैसी लगी? सो ये 140, 143, 144 तक तो पहुंच गई है जिमी। अंकल 150 जाएगी क्या? 150 तो इजीली चली जाती, बट थोड़ा रास्ता खराब हो गया, कोई दिक्कत नहीं, शायद ये रोड पे 150 चली जाए। तो ये रोड पे अपन इसको खींचने की कोशिश करते हैं, 150 आराम से चली जाएगी जिमी ये। ओके अंकल मैं इसको ट्राई कर। जिमी तू इसको चलाना, बट अकेले चलाना, मैं तेरे साथ पीछे बैठूंगा नहीं। सो बस इसको 150 पहुंचा के मैं तुझे बाइक दे दूंगा, फिर तू उसको लेके चले जा, मैं यहाँ से टैक्सी करके चला जाऊंगा। ओके 149, 149, 150 पहुंच गई है जिमी, तो ये बाइक तू ले सकता है। 155 तक चली गई है टॉप स्पीड इसकी, 156 तक गई है और ब्रेकिंग भी काफी अच्छी है। सो गाइस आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ। जिमी सबको बाय बोल। बाय दोस्तों, जाने से पहले सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ, बाय बाय।